अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। भैया आज मतदान का दिन है, खास दिन है। जी हाँ, वोटिंग परसेंट अभी देवास में लगभग पहुँचता है। जी, मैं खुद भी मतदान करके आया हूँ इंदौर में, और असल में बीजेपी की वजह से एक नकारात्मक माहौल पूरे देश में बना हुआ है। लोगों में उत्साह ही इतना कमज़ोर है वोटिंग के प्रति। फिर भी हम लोगों ने कोशिश करी है, जागरूक किया है कि मतदान तो करना चाहिए, और झूठ सच की दुकान जो चला रहे हैं इनको सबक सिखाना चाहिए। जो न विकास की बात करते हैं, न किसी इस तरह की किसान की बात करते हैं, ना नौजवान की, सिर्फ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा हिंदू मुसलमान, ऐसे लोगों को सबक सिखाना, तो वोट डालना पड़ेगा। देवास में कई जगह मतदान का विरोध भी हो रहा है, और अभी देखने में आया बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने भी विरोध किया है। देखिए, बात हुई है, मैंने जो कहा ना कि बीजेपी के हाईकमान की वजह से, अलग अलग जगह जो उनके नुमाइंदे हैं उनकी वजह से एक नकारात्मक माहौल, यहीं की बात करें देवास में, सांसद जो यहाँ हैं महेंद्र सोलंकी बीजेपी के, उनकी वजह से इतना आक्रोश है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में। बहिष्कार क्यों होता, जिनकी सरकार है उनके खिलाफ आक्रोश होता है, जो नुमाइंदा है वो नकारा होता है उसके खिलाफ आक्रोश की वजह से लोग वोट डालते नहीं, वो स्थिति देवास लोकसभा में। वो कह रहे हैं पीएम वापस नरेंद्र मोदी बनेंगे। ठीक है, उनका उनकी बात ठीक है कि नरेंद्र मोदी पीएम बनेंगे, लेकिन हमारी बात ये है कि देश ने पहचान लिया है कि देश को अलग दिशा की तरफ वर्तमान राजनेता जिनकी सरकार है ये बहुत अलग दिशा में देश को ले जा रहे हैं। पूरा देश और दुनिया देख रहा है कि किस तरह लोकतंत्र की हत्या हो रही, संविधान का मखोल उड़ाया जा रहा है। इस देश ने पूरी दुनिया देख रही है जो घटनाक्रम हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी को इस बार प्रधानमंत्री बनने का चांस नहीं मिलेगा। भैया, बीजेपी का नारा है अब की बार चार सौ, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल झूठा थोथा नारा है, बिल्कुल बेबुनियाद नारा है। एक व्यक्ति ने सही कहा कि 400 तो लड़ ही नहीं रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी, तो 400 पार कहाँ से जाएंगे ये लोग। इससे बड़ा सत्य तो हो नहीं सकता, और इससे बड़ा झूठ भी नहीं हो सकता। हम सत्य बोल रहे हैं, 400 उम्मीदवार ही नहीं लड़ रहे हैं बीजेपी के, 400 पार कहाँ से। भैया, हम बात करें देवास शाहजहाँपुर लोकसभा की, तो क्या लगता है आपको? देखिए, यदि शुचिता की राजनीति को प्रश्रय देना है तो लोग कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र राधाकृष्ण माली को वोट देंगे ही, मेरी ऐसी मान्यता है। अंडरग्राउंड एक लहर है कि बदलाव चाहिए, ऐसा नकारा सांसद हमको नहीं चाहिए, हमें सकारात्मक सोच वाला सांसद चाहिए, और वो एक छवि राजेंद्र माली में दिखती है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि राजेंद्र माली भले 50,000 वो सीटें 25,000 सीटों पर जीते, सामाजिक रूप से वोट बड़ा बदलाव करने की ताकत रखते हैं। बिल्कुल गलई समाज से आते हैं राजेंद्र मालवी, महेंद्र सोलंकी जो बीजेपी के सांसद हैं वो भी समाज से आते हैं, लेकिन गलई समाज महेंद्र सोलंकी को अपना मानने स्वीकार किसी रूप में भी स्वीकार नहीं कर रहा कि इस व्यक्ति ने 5 साल में झांक के भी नहीं देखा, कोई मदद भी नहीं करी सामाजिक रूप से। लेकिन राजेंद्र राधाकृष्ण मालवी, मैं राधाकृष्ण स्वर्गीय राधाकृष्ण जी का नाम ले रहा हूँ, पुरोधा थे भलाई समाज के, हमेशा भलाई समाज के उत्थान का काम किया, वो छवि भलाई समाज के लोग राजेंद्र मालवी में देख रहे हैं। एक तरफा वोट समाज का पड़ेगा। इंदौर में नोटा को लेकर वही तो घर में डाल के आया हूँ, नोटा में डाला। अब ये चुनाव आयोग पकड़ लेगा मेरे को, बताना नहीं चाहिए कहाँ डाला, पर मैं नोटा का प्रचार करके आ रहा हूँ, नोटा का प्रचार करके आ रहा हूँ। एक बड़ा माहौल बना हुआ है नोटा के नाम से, जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो बिल्कुल वोट डालने के लिए निकल रहा है कि नहीं नोटा को डाले। एक बड़ा सवाल है, सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी कह रहे हैं कि उन्होंने शपथ पत्र में भी लिखा है कि 5 साल में उनकी संपत्ति कम होगी 28 लाख रुपये का, जबकि इधर राजेंद्र मोदी जी 20 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति वाली। भैया किसको बांटा है भैया महेंद्र सोलंकी रहेगा, नाम बता दे किसको बांटा है, संपत्ति कम हुई
अरे तू अपनी भाई मेरे दोस्त, तूने अपनी जो सांसद निधि है वो ही पूरी खर्च नहीं करी, तो तुमसे तो कोई उम्मीद कर नहीं सकता कि तुम अपनी राशि में से किसी को देगे। राजेंद्र मालवीय एक बड़ा किसान परिवार, खेती किसानी है, बड़ी ज़मीनें हैं और वो खेती किसानी करते हैं, तो उसी दूर से आय बढ़ेगी। एक अच्छा किसान, अच्छा फार्मर, अच्छी उपज पैदा करके परिश्रम से धन कमाते हैं। 29 में से कितनी ईमानदारी के चुनाव हो तो 12